देखिए ये जो घटना घटी है इस बच्ची को लेकर के, लेकिन ये हुआ तो गलत ही है, लेकिन ये है कि देखिए इसको भी ज्यादा इशू नहीं बनाया जाए, इसलिए कि अगर हम इसको इशू ही बना करके चलेंगे तो और बच्चों पे भी इसका असर पड़ सकता है। नहीं, जैसे कि 3.5 साल की बच्ची थी और उसको दरिंदगी के बाद में उसकी हत्या की गई है, ये बहुत ही हीनिस क्राइम की श्रेणी में आता है और चारों तरफ इसको मतलब इसके खिलाफ आवाज़ उठाई जा रही है। नोएडा में कैंडल मार्च निकाला गया है और इसको जो लोगों द्वारा जो है अब एक सांप्रदायिक रूप से देखा जा रहा है। ये माननीय हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी हैं, इन्होंने कहा था बेटी बचाओ का एक नारा इन्होंने चलाया था। आप मुझे, मैं पूछना चाहती हूँ नरेंद्र मोदी जी से कि ये 2.5 साल की बच्ची तो कुछ नहीं जानती थी, ये तो अनमोल बच्ची थी, जिसकी अभी 2.5 साल के बच्चे को ये नहीं पता कि मुझे क्या करना है, उसके साथ इतनी दर्दनाक ये घटना जो घटी है, क्या नरेंद्र मोदी जी को एक्शन नहीं लेना चाहिए? जितना यह क्राइम हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी को ये जितने क्राइम करने वाले इनको जेल में डालना चाहिए, जैसे कि बहन जी ने सबको क्राइम करने वालों को सबको डाला था। अगर ये खुलेआम घूमते रहेंगे बेटी बचाओ का नारा, ये बेकार है। फिर तो मैं तो ये जानती हूँ कि ये लोग खुद करा रहे हैं। क्या भारती जी, आपका कहने का मतलब ये है कि प्रशासन यहाँ फेल है? बिल्कुल, प्रशासन बिल्कुल फेल है, इसलिए कि 5 साल सरकार इनकी तब भी रही, 5 साल सरकार में तब भी ऐसी घटनाएं घटती रही बेटियों के साथ में, और हम महिलाएं तो बिल्कुल भी सेफ है ही नहीं आज की डेट में। सुशीला जी, मुझे ये बताइए, जो बीजेपी सरकार नारा देती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, उसके बाद में जो बीजेपी के एक विधायक है कुलदीप सेंगर, जो रेप के आरोप में जो है जेल में बंद हैं, और बीजेपी के एक नव नियुक्त जो सांसद हैं जो जीत कर अभी अभी आए हैं, वो उनसे मिलने जाते हैं जेल में, तो क्या लगता है आपको, बीजेपी क्या उस जो रेप के आरोपी हैं कुलदीप सेंगर को बचाना चाहती है? हाँ, उनको बचाना चाहते हैं, जो वो जाकर के मिलते हैं, क्योंकि इसका मतलब ये है जी कि ये लोग उसको क्राइम को बढ़ावा दे रहे हैं, क्राइम को ये लोग बढ़ावा दे रहे हैं। अगर इसी तरीके से ये चलता रहा तो बीजेपी सरकार अब की बार इतना क्राइम होगा कि शायद महिलाएं बच्चे हम लोग नहीं बच पाएंगे। मोदी जी को देखना चाहिए इन लोगों का। मैं एक और संदेश देना चाहती हूँ नरेंद्र मोदी जी को, कहीं भी, और हमारे सीएम योगी जी, उनको मैं ये संदेश देना चाहती हूँ, ये जितनी महिलाएं हैं, क्या इनको ये नहीं पता कि ये प्रशासन में क्या हो रहा है, पुलिस वाले क्या कर रहे हैं, हमारे देश में कितनी घटनाएं घट रही हैं, इनको क्या नरेंद्र मोदी जी बाहर विदेश में ही घूमते रहते हैं? सुशीला जी, मुझे एक बात और बता दीजिए, जो रोजाना हमारे देश में बच्चों से घटना होती है यौन शोषण की, मारपीट की, तेजाब डालने की, अपहरण की, लेकिन जो अपर कास्ट की जो पीड़िता होती हैं उनके लिए पूरा समाज साथ देता है, सब जातियां साथ देती हैं, लेकिन जब बात आती है दलित बच्चियों के साथ में या पिछड़ी जाति की बच्चियों के साथ में, जब इतने बड़े पैमाने पर ना तो कैंडल मार्च निकलता है और ना ही उनके सपोर्ट में लोग खड़े होते हैं, क्या लगता है आपको, क्या यहाँ पर जाति देखकर बच्चियों की जो है सपोर्ट की जाती है? हाँ, सबसे पहले तो अगर हम लोग जाएंगे, कोई घटना घटती है तो हम तो सबसे पहला सवाल ये पूछा जाता है कि आप लोग कौन सी जाति में आते हैं। हम लोग कहते हैं कि हम जाटव समाज के लोग हैं, तो हम पे तो और भी ज्यादा अत्याचार होता है, और भी ज्यादा अत्याचार है। ये तो एससी के लोग हैं, इनके साथ तो जो चाहे, वो प्रशासन हमारी सुन कर आ रहा है, पुलिस वाले खुद महिलाओं को, जबकि महिलाओं को नहीं मारना चाहिए, पुलिस वालों को, महिला कांस्टेबल को मारना चाहिए, आजकल तो पुलिस वाले सरेआम महिलाओं को मारते हैं, और दलित के साथ तो सबसे ही ज्यादा अत्याचार हो रहा है इस टाइम पे। अच्छा, हमारी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान भी चला रही है, उस पर हर साल सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च करती है, उसके बावजूद हमारे देश में जो बच्चियां हैं, किशोरियां हैं, युवतियां हैं या महिलाएं हैं, बुजुर्गों पे भी जो है हमले होते हैं, उनपे उनके साथ में यौन शोषण की घटना होती हैं, कई बार उनपे तेजाब फेंक दिया जाता है, खासतौर पर युवतियों पर, तो क्या लगता है हमारे देश में जो बच्चियाँ हैं वो महिलाएँ कितनी सुरक्षित हैं? ये तो हमारी सरकार की सुरक्षा देने पड़ेंगे, लेकिन उनने तो बहुत कोशिश भी कर रहे हैं, खूब दे रखे हैं, समाज में गलती तो हम लोग कर रहे हैं ना, समाज कर रहे हैं ना, उनकी तरफ से तो कोई ना, वो तो काफी दे रहे हैं सुरक्षा, इससे तो पहले से तो काफी बेटर है महिलाओं की, क्यों तो पहले तो इतने नहीं थे, घर से निकलते भी डर लगते, लेकिन अब तो काफी मिल रहे हैं, जब से मोदी जी आए थे तब से तो काफी मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत उनने अपने तरफ से तो कोई कमी नहीं छोड़ी, बहुत अच्छे दे रहे हैं। आंटी जी, एक बीजेपी सरकार में रेप के आरोपी हैं कुलदीप सेंगर, उनको अभी तक पार्टी ने नहीं निकाला है और वो जेल में भी बंद है, उनसे अभी 2 दिन पहले बीजेपी के सांसद मिलने जाते हैं साक्षी महाराज, उसको क्या कहेंगे?
क्या ऐसे लोगों को पार्टी में रखना चाहिए? नहीं रखना चाहिए। है? नहीं रखना चाहिए ऐसे लोगों को बाहर रास्ते। जी जी जी, वैसे ज़्यादातर तो हमारी पार्टी ऐसे लोगों को नहीं रखती है, कोई भी संज्ञान में आता है तो उसको नहीं रखते। अब कुलदीप सेंगर के बारे में तो ज़्यादा मुझे नहीं मालूम है, लेकिन जिनके बारे में मैं जानती हूँ, हमारे यहाँ दो चार चेहरे ऐसे हैं जिनके साथ ऐसा हुआ था, कुछ भी गलती पकड़ी गई अदरवाइज उनको पद से हटा दिया गया था। लेकिन उनके साथ साथ क्या क्या, क्या लग रहा है? मैं अभी बहुत छोटे लेवल पर हूँ, मैं छोटे लेवल से जानता हूँ। बीजेपी में कार्यकर्ता है, बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। जी जी, जब टिंकल शर्मा का रेप होता उसको मार दिया था, एक बड़ी निंदनीय घटना है, बड़ा अफसोस होता। जी जी, कहीं ना कहीं लगता नहीं कि गुंडे बेखौफ हैं, सरकार को हमें डर नहीं है, प्रशासन पुलिस अपना काम ठीक से नहीं कर रही है? प्रशासन पुलिस के तो गड़बड़ी है, इस बात को तो मानना पड़ेगा। अगर पुलिस चाहे तो नहीं, जी जी, पुलिस चाहते तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि अभी तक दो चार दिन उन्होंने कुछ दिखाया ही नहीं, ना पुलिस ने सुनवाई की। अगर पुलिस ने सुनवाई की होती तो जो हम लोगों ने यार ये कैंडल मार्च निकाला तो ये सब हमें करना नहीं पड़ता। जब इन लोगों ने सुनवाई नहीं की, अभी कैंडल मार्च निकाला है मीडिया वालों ने जब हमारा सपोर्ट किया है, तब उसकी देखो गिरफ्तारी हो गई, बंदा अभी जी जी जिसने किया है वो नहीं हुआ है। अभी 6-7 दिन हो गए इस घटना को, अभी तक पड़ा है, अभी तक बीजेपी का किसी भी मंत्री या नेता का कोई भी बयान नहीं आया है। बयान जब मीडिया दिखाएगी तभी तो आएगा, मीडिया ने दिखाया है, अब सब लोग आगे आएंगे। जब हम लोग छोटे कार्यकर्ता है, बड़े भी हमारे साथ आएंगे। आज भी हमारे साथ प्रदेश लेवल पे महेश चौहान जी हैं अध्यक्ष, वो भी शामिल थे। इंदु बाबाइनी से तपेश्वर राय है, वो भी शामिल थे। हमारे यहाँ संघ से भी लोग शामिल थे, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से भी थे, और काफी संख्या में आम जनता भी थी हमारे साथ। अच्छा, मुझे ये बताइए, भारत सरकार है जो मोदी सरकार है जी, वो अभियान चला रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है जी, जी। उसके बावजूद हमारे देश में जो ये घटना बढ़ती जा रही है, मतलब कम होने की बजाय बढ़ रही है जी, तो सरकार इसमें कहीं विफल हो रही है क्या? सरकार तो अपना काम कर रही है सर, कुछ समाज में भी गलतियां हैं। हम लोग जब तक सोच नहीं बदलेंगे, सरकार हर जगह तो नहीं हमारे साथ देगी। वो तो अपना काम कर रही है, कुछ हम लोगों को भी जागरूक होना चाहिए, अपनी सोच बदलनी चाहिए। अच्छा, कहते हैं बेटी चाहे हिंदू की हो या मुसलमान की हो, लेकिन जैसा उसमें हुआ था जो कठुआ कांड में, वैसा इसमें नहीं दिख रहा है। मीडिया भी जैसे खौफ से डर रही है, मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है। अच्छा, ये मुझे ये बताइए, जो बीजेपी सरकार है वो अभियान चला रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, उसके बावजूद बीजेपी के एक विधायक है कुलदीप सेंगर उत्तर प्रदेश से, उनको बीजेपी ने अभी तक पार्टी से नहीं निकाला है जबकि वो जेल में है, और जो अभी जो बीजेपी के सांसद चुने गए हैं नए, जी जी जी, वो खुद उनसे जेल में मिलकर आते हैं, तो क्या लग रहा है बीजेपी सर इसके बारे में? बीजेपी बलात्कारियों को बढ़ावा तो नहीं दे रही है कहीं? नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा नहीं है तो जिसने भी दरिंदगी की है उसके साथ आप भी देख लीजिएगा, आगे कुछ ना कुछ किया जाएगा। और बाकी उनके बारे में सर मुझे नहीं जानकारी। मैं, राजनीति चलती रहती है देश में, राजनीति के चक्कर में जो ऐसे कांड ऐसे केस होते हैं, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता दब जाते हैं राजनीति के चक्कर में, उन लोगों को न्याय नहीं मिल पाता? सर ऐसा होता है, होता तो है, लेकिन नहीं होना चाहिए इन सरकार में। क्या जो ये रेप होते हैं इनमें भी जातिवाद देखा जाता है? सर जातिवाद किसी के माथे पे नहीं लिखा होता है, आप भी जानते हो बेटी सबकी है, चाहे हिंदू की हो, बेटी बेटी चाहे हिंदू की है मुस्लिम की हो, बेटी सबकी बराबर है। हमारे मोदी जी का भी नारा है, 25 करोड़ देशवासियों को लेके चलते, कभी भी देखा होगा आपने, उन्होंने कभी जातवाद के ऊपर कोई बात नहीं ऐसी कही नहीं होगी। बेटी सबकी बराबर है, चाहे हिंदू की हो या मुस्लिम की, बेटी तो बेटी है, किसी के साथ ऐसा नहीं होगा। लेकिन ना एक चीज देखा जाता है, अगर किसी दलित या वाल्मीकि या नीची कास्ट के बच्ची के साथ कोई रेप हो जाता है, इतने बड़े आंदोलन नहीं होते, उसको दबा दिया जाता है। जो गांव के सरपंच वगैरह होते हैं उसको डरा धमका के वहाँ ही मामला नीचे में खत्म कर दिया जाता है, ऐसा होता है ना? मानते नहीं, नहीं ऐसा होता है, गाँव में होता है, बट शहर में ऐसा नहीं है। शहर में अगर हम लोग को किसी को भी भनक होती है तो हम लोग यानी कि ऐसा नहीं होने देते।